बागसू तहसील में यह संस्थान तो है ही अब्बल पर, परंतु राष्ट्र स्तर पर भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जाकर हर साल हम देखते हैं कि ये सम्मानित होकर आते हैं। जयपुर से सम्मानित हुए हैं मुख्यमंत्री द्वारा और केंद्र में दिल्ली सरकार के द्वारा भी सम्मानित हुआ। ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है, मानसून में एकमात्र संस्थान है जो महिला शक्ति को आगे बढ़ा रहा है। बताया कि 13 करोड़ की बचत करके और समूह को इतना मजबूत किया है कि निश्चित दूसरे पर आश्रित नहीं है, जबकि केंद्र सरकार महिला समूह को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है और स्वावलंबी बने हो समूह बनाकर स्वावलंबी ने और स्वदेशी को अपनाए। और यही काम युवा जागृति मंच कर रहा है कि स्वदेशी भारत का उत्पादित माल ही भारत में हो और हम विदेश में भेज सके, न कि विदेश का माल भारत में आए। ये युवा जागृति संस्थान की मुख्य खासियत है कि अपने जैसे गाय का गोबर इनके दिए जलाए गए, दिए बने मैंने दीपावली में देखे, अपने अस्पताल में भी जलाए, बाजार के अंदर भी इस तरह की। मगर ये एक प्रदूषण समाप्त हो, जितना प्रदूषण आज फैल रहा है ये प्रदूषण को समाप्त करना चाहते हैं और महिला शक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर क्षेत्र के अंदर युवा जागृति संस्थान एक नाम बांसुर के अंदर जो बच्चे बच्चे की जबान में इसमें कोई दो राय नहीं, इनका कार्य इतना सराहनीय है कि इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। दोनों युवाओं ने इतनी मेहनत की है कि हमारी मातृशक्ति को बहुत आगे बढ़ाया। शुभकामनाएं देता हूँ कि और आगे बढ़े और अन्य कार्य के अंदर, क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है, बहुत पौधे लगाए गए जगह जगह पर के अन्य स्वच्छता के लिए और थोड़ा काम, स्वच्छता के काम किया मतलब और स्वच्छता के लिए जागृति पैदा करे गाँव के अंदर भी, क्योंकि हम लोग घरों के सामने पानी छोड़ देते हैं, बस मेरे सामने आए सड़क पर जाए पानी, सड़कें गंदी हो जाती है, सड़कें टूटती हैं, सड़कें रोज नहीं पड़ती हैं। उसके लिए भी यदि युवा जागृति ये जागृति पैदा करे कि सड़कें ऐसे नहीं पड़ेगी, इनके लिए हम घर के सामने आओ हमारे घर के सामने की सफाई कर ले तो क्या दिक्कत है। यदि ये भावना आ जाए कि मैं मेरे घर के सामने सफाई रखूंगा तो उससे अगला भी रखेगा, उससे अगला भी रखेगा और गाँव स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा, ये बीमारियां नहीं फैलेगी। और जो आए दिन तो इसलिए मैं आपसे ये सभी आशा करता हूँ मातृशक्ति से कि इस कार्य में भी इनका पूरा सहयोग करेंगे। निश्चित है ये दिन दुगनी रात चौगुनी संस्थान उन्नति करेगा। हमारी शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।